अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाना। एमएस वर्ड के अंदर हम स्टूडेंट आईडी कार्ड को किस तरह बनाते हैं, वो यहाँ पे आपके सामने जो है एक स्टूडेंट आईडी कार्ड बना हुआ है। इस स्टूडेंट आईडी कार्ड को किस तरह डिज़ाइन की गई है और यही कार्ड जो है हम अब डिज़ाइन करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा, न्यू पेज लूँगा और यहाँ से जो है मैं इंसर्ट के अंदर शेप ले लेता हूँ। शेप के अंदर यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप लिया है। जैसे ही मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं कि जैसे ये शेप मैंने बना दी है तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया है। यहाँ से जो है मैं कलर वगैरह दे सकता हूँ और यहाँ पे अगर साइड में अगर आप देखें राइट साइड पे तो ये लिखा हुआ है 2.91, यानी ये शेप का हाइट और वेट बता रहा होता है। मैं यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें तो ये शेप का हाइट है, शेप का हाइट जो है यहाँ पे 2.91 है और शेप का जो वेट है वो 4.78 है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि स्टूडेंट आईडी कार्ड को 2.6 रखने वाले हैं और इसका जो वेट है वो 4.8 रखेंगे। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट आईडी कार्ड का जो हमने हाइट और वेट दोनों रखा है, सॉरी यहाँ पे जो है मैं 4.6 रखूँगा और अब ये सही लग रहा है। सबसे पहले फिल कलर जो है मैं इसका फिल कलर नो फिल कलर कर देता हूँ और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि ये बन गया है। अब मैं फिर से इंसर्ट पे जा रहा हूँ और शेप पे जा रहा हूँ। शेप के अंदर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है मैं एक टेक्स्ट बना देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट बनाया है और इसके अंदर जो मैं फिल कलर करने वाला हूँ वो मैं फ़िलहाल के लिए इसको ब्लू रख देता हूँ। इसी तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यानी कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये डुप्लीकेट निकल आएगा। अगर आप चाहें तो आप ख़ुद बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कंट्रोल डी डुप्लीकेट निकाला है और अब क्या करूँगा कि फिर से मैं एक यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ तक तो ये बन गया है, अब मज़ीद मैं शेप पे लेके जाऊँगा। शेप के अंदर जो है एक और शेप ले लेता हूँ, यहाँ से जो है मैं एक और शेप ले लेता हूँ। यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब सबसे टॉप पे जो है मैं लिखूँगा कि अपने स्कूल का नाम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रामर स्कूल और फॉन्ट का कलर जो है मैं बाद में चेंज करूँगा, ग्रामर पब्लिक स्कूल लिख देता हूँ। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ और ग्रामर पब्लिक स्कूल। और अब इसको मैं यहाँ से साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, यानी साइज़ पहले ज़्यादा करूँगा और जब मैं इसका फॉर्मेट यानी फॉन्ट कलर जो है फॉन्ट कलर जहाँ से चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ और फॉर्मेट में जाके यहाँ से लिखा हुआ है टेक्स फिल, जो टेक्स का जो कलर है मैं यहाँ से वाइट कर दिया है। और अब मैं दोबारा यहाँ से आता हूँ और इनका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ तक तो ये बन गया। अब आप चाहें तो यहाँ से लेफ़्ट सेंटर भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है मैं यहाँ से शेप को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, शेप का साइज़ जो है वो ज़्यादा करना चाहूँगा और अब शायद ये सही रहा है। मज़ीद इसको ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ तक बन गया, लेकिन ये शेप जो है कम कर देते हैं, ये सही रहेगा। यहाँ से नेक्स्ट जो अगर नीचे अगर देखा है तो यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस यानी मैं अगर शॉर्ट फॉर्म पे ये लिख रहा हूँ, एक सिंपल एड्रेस लिख रहा हूँ, गुलशन इकबाल लिखता हूँ और गुलशन इकबाल या जो है आप ब्लॉक 4 भी लिखते हैं, पहले ब्लॉक 4 लिखते हैं उसके बाद गुलशन इकबाल, मैं जल्दी जल्दी मैं ये कर रहा हूँ, और 4A आगे जो है मैं लिखता हूँ कराची, जैसे ये लिखा है। और इसका साइज़ से पहले जो है मैं इसका जो कलर है वो टेक्स्ट कलर वाइट रख देता हूँ और अब जो है मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। मैं अगर आप चाहें तो इसको वर्ड आर्ट से भी बना सकते थे, लेकिन मैं यहाँ से बना रहा हूँ इसको और इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हो गया है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें मैं इसका कलर दे देता हूँ, कलर यहाँ से शेप के अंदर जो कलर है वो येलो रख देता हूँ। येलो के अंदर जो है मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो है इस कलर के अंदर जो है मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ,
स्टूडेंट आईडी कार्ड, या आईडी को मैं बड़ा रखना चाह रहा हूँ, यहाँ तक हो गए। और इसको मैं यहाँ से कलर जो है इसका चेंज कर देता हूँ, जहाँ पे हमारा जो फिल कलर है और रेड रेड रख देता हूँ। और इसको थोड़ा सा जो है इसका फॉन्ट साइज़ भी ज़्यादा कर रहा हूँ, और इसको यहाँ तक। अगर आप चाहें तो फॉन्ट जो फैमिली है वो चेंज कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा। और मैं इसको सेंटर पे रखूँगा। दूसरा ये है कि मैं इनका भी फॉन्ट फैमिली जो है वो भी चेंज करूँगा, और फॉन्ट फैमिली यहाँ से फॉन्ट फैमिली अब ये बेस्ट लग रहा है। और इसमें भी मैं वही रख देता हूँ, आप देख सकते हैं ये बन गए हैं। और यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब मज़ीद मैं इंसर्ट पे जा रहा हूँ, और यहाँ से शेप, शेप के अंदर जो है मैं एक यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ से मैं इतने तक जो है ये ले रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे नेम वगैरह लिखूँगा, यानी यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, और यहाँ से आगे जो है डॉट डॉट दे रहा हूँ, और यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे एफ़ नेम यानी फादर नेम, और फादर नेम के सामने जो है ये डॉट डॉट दे रहा हूँ। और आप चाहें तो नाम वगैरह अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। और इसके साथ जो है मैं क्लास नाम दे देता हूँ, और क्लास यहाँ पे डॉट डॉट दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। और नेक्स्ट जो है मैं इसको एक्सपायरी डेट या जो है इशू डेट के साथ जो है एक्सपायरी डेट देखता हूँ। पहले इशू डेट लिखा है और डॉट डॉट दिए हैं, डॉट डॉट दिए हैं, और इसके बाद जो है मैं लिखता हूँ एक्सपायरी शॉर्ट फॉर्म में एक्सपायरी। और एक्सपायरी को ऐसे ही डेट उसमें रहने देते हैं, डेट आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार डेट लिखा है तो उसमें हो गया है। अब यहाँ तक तो ये बन गया है, और ऊपर जो इसमें डॉट डॉट हैं वो भी बराबर करने हैं हमने। तो यहाँ से जो है मैंने इसको डॉट डॉट बराबर करना चाहूँगा, ये डॉट डॉट कंप्लीट हो जाए, और यहाँ से जो है ये डॉट डॉट कंप्लीट हो जाए, यहाँ से डॉट डॉट, और ये एक ज़्यादा हो गया, यहाँ तक जो है इस पर भी मैं डॉट डॉट। अब यहाँ पे जो दरमियान में इनका गैप है, अगर आप चाहें तो इनका दरमियान में गैप भी कम कर सकते हैं। गैप यानी यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो आप इजीली कम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इनमें जो है आप सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट के अंदर सॉरी यहाँ पे होम के अंदर आप यहाँ से शेप का जो दरमियान में स्पेसिंग है वो कम कर सकते हो। अब मज़ीद जो है मैं यहाँ से आता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ, शेप के अंदर जो है यहाँ से मैं अपने तस्वीर को ऐड करना चाहूँगा। और तस्वीर पे यहाँ से जैसे क्लिक किया है, फॉर्मेट के अंदर फिल कलर में मैं यहाँ से अपना पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर पे जैसे क्लिक किया है और ये मेरा लोकेशन आया है। ये जैसे मैं यहाँ पे डी के अंदर मैं अपना एक कोई पिक्चर दे देता हूँ, जैसे यहाँ से ये पिक्चर था, इसी पिक्चर को ऐड कर देते हैं। और ये पिक्चर आ गया है, इसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ इसीलिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट टू राइट लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक हो गए हैं। और इसके बाद जो है मैं मज़ीद इंसर्ट पे लेके आता हूँ, इंसर्ट पे, और इंसर्ट के अंदर मैं शेप पे आ जाता हूँ। शेप के यहाँ से जो है मुझे अगर कोई लिखना है कुछ चीज़ तो मैं लिख देता हूँ, कोई फ़ोटो या कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिखने के लिए या साइन के लिए जगह छोड़ दूँ। अब मैं अगर आप चाहें तो इसका जो आउटलाइन है ये आप कम मिटा सकते हैं, यानी आउटलाइन ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे नो आउटलाइन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो तकरीबन बन गया है। और यहाँ से आप सेटिंग बाद में कर सकते हो, ये स्टूडेंट आईडी कार्ड बन गया। ऊपर से जो है मैं थोड़ा सा बॉटम की तरफ आऊँगा और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसमें नीचे रख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये बन गए है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो आईडी कार्ड है वो बन गया है। अब कमी पेशी हैं वो आप मुकम्मल कर सकते हो बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।